दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 10,000 रुपए से कम है तो आपको बहुत सारे फीचर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब कहीं रैम कम होगी, बैटरी साइज कम होगी या फिर डिस्प्ले साइज छोटा होगा, लेकिन इन सारी चीजों से अब जल्द छुटकारा मिल सकता है क्योंकि टेक्नो का नया स्मार्टफोन आ चुका है। इसका नाम है टेक्नो स्पार्क 20। ये बहुत सारी अमेजिंग फीचर से लैस है। क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं, हम बताएंगे आज के वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं हूँ सौरभ वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि इस फोन बॉक्स में आपको कई सारी एसेसरीज मिलती हैं। एसेसरीज के तौर पर आपको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब एडाप्टर दिया गया है। इसके अलावा चार्जिंग कॉर्ड दी गई है जो टाइप सी है। इसके साथ में दो खास चीजें मिलती हैं, मतलब अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो जाता है तो 12 माह के अंदर उसे दोबारा से ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मिल जाता है 19 OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मतलब अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके साथ में कुल 19 OTT एप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे, जो काफी शानदार है। इन OTT एप्स की सब्सक्रिप्शन प्राइस करीब 5,000 रुपए है। मतलब आप स्मार्टफोन खरीद कर 5,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फोन की। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये फोन आता है डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, इसके अलावा एक AI सेंसर दिया गया है। साथ ही आपको फ्लैश लाइट का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको दिखने में ऐसा फील होगा कि ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, लेकिन इसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया है। अगर डिजाइन की बात करें तो ये कुछ हल्का सा मैट फिनिश में आता है। इसमें जब कोई लाइट पड़ती है तो ये थोड़ा से कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो ये आता है साइबर व्हाइट कलर ऑप्शन में, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप रियर से खुद ही देख सकते हैं स्मार्टफोन। अगर इसके नीचे की तरफ बात करें तो इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही नीचे की तरफ आपको स्पीकर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाएगा 3.5 mm ऑडियो जैक, जो आमतौर पर 10,000 या उससे कम कीमत वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अगर कीमत की बात करें तो इस फोन की कीमत 9,499 रुपए है, जो काफी अफोर्डेबल है। अगर फोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। फोन 6.6 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ में आता है। ये एक 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है, जो आता है कुल 16GB रैम सपोर्ट के साथ में, जो इसे काफी फास्ट बना देता है। ऐसे में जब आप फोन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कई सारी एप्स ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, तो उस दौरान काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बता दें कि इसमें 6GB एक्चुअल रैम दी गई है, जबकि 6GB वर्चुअल रैम दी गई है। इस तरीके से कुल 16GB रैम का सपोर्ट मिलता है। वहीं स्टोरेज के मामले में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें दिया गया है 256GB का स्टोरेज, जो काफी बड़ा साइज होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। वहीं फोन के फ्रंट साइज में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ठीक ठाक फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर की बात करें तो फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी G85 चिपसेट दी गई है, जो काफी अच्छी है, खास तौर पर बजट स्मार्टफोन के लिए। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जो DTS सराउंड सपोर्ट के साथ में आता है। ऐसे में आपको कॉलिंग या वीडियो के दौरान काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फोन में आपको मिल जाती है 5000mAh की बड़ी बैटरी, जो आती है 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। ये एक बजट स्मार्टफोन के लिए बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर जो 10,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होते हैं उसमें लोअर साइज वाली बैटरी दी जाती है, लेकिन कंपनी ने बैटरी साइज के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिनकी बैटरी खपत काफी ज्यादा है। तो आपको टेक्नो स्पार्क 20 स्मार्टफोन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहे।